हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल माय लाइफ इन कराची। अगर किसी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। सो टुडे मैं आपको जो रेसिपी शो कर रही हूँ वो किड्स की है, किड्स के मेन्यू पे पर डिसाइड है ये। आप अपनी बेटी को 10 जो फर्स्ट रेसिपी है वो आप 10 मंथ से लेकर ऑनवर्ड्स कभी भी अपनी बेटी को बना के खिलाएं, इट्स वेरी हेल्दी। मैं बना रही हूँ ओट्स एंड चिकन। मैंने एक बहुत ही स्मॉल अनियन लिया है, उसको फाइनली मैंने अच्छी तरीके से चॉप्ड कर दिया है। फिर एक पैन लिया, उसको अच्छे से साफ किया है और अराउंड मैंने इसमें 3 टेबलस्पून देसी घी लिया है। मैं जब भी अपनी बेटी का कोई रेसिपी बनाती हूँ तो हमेशा मैं देसी घी का यूज़ करती हूँ जो मैं घर पर निकालती हूँ। जब घी अच्छे से तरीके से हॉट हो जाए तो मैंने इसमें फाइनली चॉप किए हुए अनियंस डाल दिए हैं और मैं तब तक इसको भूनूंगी तब तक जब तक ये लाइट ब्राउन सा कलर ना हो जाए। जब ये लाइट ब्राउन सा कलर अच्छा सा आ जाएगा तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूंगी ताकि अनियंस और ज़्यादा पकना बंद हो जाए। फिर मैंने 2 बोन्स लिए हैं चिकन की, 1 लेग पीस लिया, 1 विंग पीस लिया और अच्छे तरीके से इसमें भूनूंगी। साथ ही मैंने इसमें 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है ताकि चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाए। इसको अच्छी तरीके से भूनूंगी और थोड़ा सा और पानी मिला के इसको गलने के लिए छोड़ दूंगी ताकि ये हाफ चिकन कुक्ड हो जाए। जब हाफ चिकन कुक्ड हो जाएगी तो मैं इसमें ओट्स डालूंगी। मैंने क्वेकर के वाइट ओट्स लिए हैं जो टिन में आते हैं। मैंने अराउंड जो है वो 3 स्पूंस जो सालन वाले होते हैं वो मैंने वाइट ओट्स के डाले हैं, अच्छी तरीके से इसमें मिक्स किया है, थोड़ा सा भुना है मैंने। ये तो जल्दी गल जाते हैं इसलिए मैं इनका इस्तेमाल करती हूँ। जब ये अच्छी तरीके से भुन गए हैं, जब मैंने 2 मिनट्स को भुना है उसके बाद मैं इसमें 1/2 टीस्पून कह लें या 1/4 टीस्पून मैंने इसमें सॉल्ट डाला है और इतना ही मैंने 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर डाला है और अच्छी तरीके से इसको भून कर मैंने 2-3 ग्लास जो है पानी के डालेंगे ताकि चिकन और दलिया दोनों एक साथ गल जाएं। इसको मैंने मीडियम फ्लेम में रखा है ताकि दोनों एक साथ गल जाएं और मैंने पैन का कवर जो है वो 1/2 लिड खुला छोड़ा है ताकि उबल के बाहर ना आए। और ये बहुत हेल्दी होती है, दलिये को मीठे स्टाइल में भी बनाएं और नमकीन के स्टाइल में भी बनाएं, ये बहुत मज़े का बनता है। कभी कभार तो मैं ख़ुद भी जो है मैं अपनी बेटी को खिलाती हूँ और ख़ुद भी खाती हूँ। ये हर एज ऑफ लाइफ में हेल्दी है और ये आपकी बोन्स के लिए बहुत ज़बरदस्त है। अच्छे तरीके से इसको मैंने 15 से 20 मिनट पकाया है और जितनी मैंने कंसिस्टेंसी चाहती हूँ उतनी मैंने रखी है, ना बहुत गाढ़ा रखा है ना ही मैंने बहुत पतला रखा है। जब और ये मेरा बिल्कुल अब तैयार है। मैंने जब थोड़ा सा ठंडा हो गया है तो मैंने बोन्स निकालनी है चिकन की और मैं इसके थोड़े रेशे कर दूंगी जिस तरह से हम हलीम के लिए रेशे करते हैं। अच्छे से मैंने सारी बोन्स में से बोटियाँ निकाल ली हैं और मैं अब इसके छोटे छोटे रेशे करूँगी ताकि मैं इसको दलिये में मिक्स कर सकूँ। बहुत सिंपल है, इजी है और स्पाइसी भी नहीं होता तो बच्चे बहुत शौक से और आराम से खाते हैं। मेरी बेटी को तो बहुत पसंद है, जब भी वो थोड़ी बीमार होती है या टीथनिंग पे आई होती है तो वो सिर्फ दलिया इसी स्टाइल में खाती है। मैंने चिकन में मिक्स करके अच्छी तरीके से रख दिया है, चिकन को मैंने ओट्स में डाल के मिक्स कर लिया और ये बिल्कुल अब तैयार है। जो सेकेंड रेसिपी है वो मैं कस्टर्ड बनाऊंगी। कस्टर्ड के लिए मैंने लिया है 1 लीटर मिल्क लिया है, थोड़ा मेरे पास डे फ्रेश का था थोड़ा फ्रेश था, मैंने दोनों को मिक्स कर लिया और मैं इसमें ऐड करूंगी 1 लीटर के मिल्क में 2 अंडे। इसलिए हेल्दी है क्योंकि इस कस्टर्ड में जो है अंडे डलते हैं और वो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा मैंने इसमें कलर फूड डाला है ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। साथ ही मैं इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लूंगी, अंडे और दूध को इतनी अच्छी तरीके से मिक्स करें कि उस अंडे का कोई लम्स और जर्दी का कोई लम्स ना रहे। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद मैंने रफान का वेनिला कस्टर्ड लिया है
3/4 कप मैंने वनीला कस्टर्ड लिया है। और मैं 3/4 कस्टर्ड जो है वो थोड़े से पानी में इसको पेस्ट बना लूंगी, अच्छी तरीके से मिक्स करूंगी ताकि कोई लम्स ना रहे, कोई गुठली ना रहे और बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाऊंगी। अच्छी तरीके से आप घोलें, कोई भी इसमें कोई लम्स ना रहे, वरना वो कस्टर्ड में मिक्स नहीं होगा, दूध में मिक्स नहीं होगा और आपका कस्टर्ड खराब हो जाएगा। जब आप अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लें तो अंडे के मिक्सचर में इसको डाल लें कस्टर्ड को, और फिर से आप कस्टर्ड, अंडे और दूध को अच्छी तरीके से यकजान कर लें। मैं जब भी अपना कोई मीठा बनाती हूँ हमेशा तांबे के बर्तन में बनाती हूँ, और ये रेसिपी मैंने अपनी मदर इन लॉ से सीखी है, और तांबे के बर्तन में बहुत अच्छा मीठा बनता है और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। मैंने बहुत ही हल्की फ्लेम में अपना कस्टर्ड रख दिया है और साथ ही मैंने नॉनस्टिक चम्मच लिया और मैं इसको हिलाती रहूंगी ताकि ये नीचे ना लग जाए, और आपने ये तब तक पकाना है जब तक हल्का सा गाढ़ा ना हो जाए। देखिए मैं बिल्कुल भी अपना चम्मच नहीं छोड़ रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैंने जहाँ अपना चम्मच छोड़ना है कस्टर्ड नीचे लग जाएगा और जल जाएगा, और जलने की स्मेल पूरे मेरे मीठे में आ जाएगी, और एक दफा जब जलने की स्मेल आ जाए तो वो जाती नहीं है। तो मैं चलाती रहूंगी जब तक हल्का सा गाढ़ा ना हो जाए। आप भी इसी तरह से चम्मच चलाते रहिए, पूरा राउंड घुमाएं और फिर बीच में से चम्मच लें ताकि कहीं भी साइड से लगे। बस आपने राउंड घुमा के बीच में से चम्मच चलाते रहने, इस तरह से नीचे लगेगा नहीं और आपका कस्टर्ड अच्छी तरीके से गाढ़ा भी होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आप इस तरह से चलाएंगे तो चारों तरफ से आपके हिलना होगा और कहीं से भी वो चिपकेगा नहीं या कहीं से भी वो लगेगा नहीं। और अब मेरा हल्का हल्का सा कस्टर्ड जो है वो गाढ़ा होना शुरू हो गया है। मैं जब वो हल्का सा गाढ़ा होना शुरू होगा तो मैं 2 से 3 मिनट और थोड़ा सा उसे पकाऊंगी, और इस दौरान मैं चम्मच चलाती ही रहूंगी, बिल्कुल भी स्टॉप नहीं करूंगी। अब आप देख रहे हैं कि मेरा कस्टर्ड जो है वो मेरी कंसिस्टेंसी के मुताबिक हो गया है, तो मैं इसमें शुगर ऐड करूंगी। अकॉर्डिंग टू मैंने 4 to 5 tablespoons जो है इसमें शुगर ऐड करी है, आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल सकते हैं। इतने हैं, मैं ज़्यादा मीठा नहीं पसंद करती और अपनी बेटी को भी ज़्यादा इस तरह से मीठा नहीं देती। मैंने एक स्टील का विस्क लिया है और मैंने लगातार इसमें घुमाया है ताकि उसमें कोई भी लम्स ना रहे और बिल्कुल ही स्मूथ कस्टर्ड बनाए, क्योंकि लम्स रहते हैं तो कस्टर्ड सीख नहीं रहता और बच्चे तो लम्स वाली चीज़ तो बिल्कुल खाते ही नहीं है। और मेरा बिल्कुल कस्टर्ड बिल्कुल तैयार है। एज यू कैन सी दिस, मेरी अपनी बेटी मेरी जिस तरह से लेती है बिल्कुल इस तरह से मेरा कस्टर्ड बिल्कुल तैयार हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। मैंने इसको कवर कर दिया है लेकिन मैं हर 5 मिनट के बाद इसमें चम्मच चलाती रहूंगी ताकि ठंडा होने पे कस्टर्ड की जो लेयर बनती है वो बिल्कुल भी ना बने। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो किस तरह कैसी लगी है। मेरा कस्टर्ड बिल्कुल तैयार है। थैंक यू।